नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ कंपस पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए अद्भुत कहानियां और जीवन के पाठ लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ एक छोटी सी धारा के किनारे की है, जिसमें छुपे हैं गहरे जीवन के रहस्य। एक सूरज ढलते हुए समय भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शिष्य निराश थे क्योंकि वे अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बहुत मुश्किल लग रहा था। उन्हें चिंता थी कि उनकी कोशिशें कोई फर्क नहीं डाल रही थीं। बुद्ध ने उनकी चिंताओं को सुना। वह मुस्कुराए और पास की एक छोटी सी धारा की ओर इशारा किया। पानी गहरा नहीं था, लेकिन इसने समय के साथ चट्टानों के माध्यम से एक चिकना रास्ता बना लिया था। आनंद नामक एक युवा अनुयायी ने कहा, लेकिन गुरु, इसमें बहुत समय लगता है। अगर हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे अच्छे कर्म मायने रखते हैं। बुद्ध ने नदी के किनारे से एक चिकना कंकड़ उठाया। उन्होंने समझाया, यह कंकड़ कभी खुरदरा और असमान हुआ करता था। पानी इतने लंबे समय से इसे धोता रहा है कि यह चिकना हो गया है। हमें हर दिन बदलाव नजर ना आए, लेकिन पानी अपना जादू चलाता रहता है। उन्होंने कंकड़ को वापस धारा में डाल दिया। दयालु और सचेत होना उस धारा की तरह है। यह धीमा लग सकता है, लेकिन हर अच्छे चुनाव के साथ हम बेहतर हो रहे हैं, ठीक उसी तरह कंकड़ की तरह। और न केवल हम बदलते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी बदलने में मदद करते हैं, क्योंकि वे हमारा अच्छा उदाहरण देखते हैं। आनंद और अन्य अनुयायी समझ गए कि बुद्ध क्या कह रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अच्छा होना तुरंत इनाम पाने के बारे में नहीं था। यह थोड़ा थोड़ा करके बेहतर इंसान बनने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के बारे में था। उन्हें एक नया उद्देश्य महसूस हुआ। अच्छे इंसान बनने का सफर भले ही लंबा हो, लेकिन वे जानते थे कि उनके द्वारा किया गया हर अच्छा काम मायने रखता है। वे धारा में कंकड़ की तरह थे, जिन्हें पानी चिकना बना रहा था, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। धैर्य रखें, अच्छे काम करते रहें और एक दिन आप देखेंगे कि आपने कितनी बड़ी सकारात्मकता फैलाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइफ कंपस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।